अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है खैर से। आज इंशाल्लाह जो ठीक जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं, रमशा सुल्तान चैनल का नाम है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अपने पूरा एंड तक बेहतरीन वीडियो है आपकी। सवाल जवाब रमशा सुल्तान और नुमान अली खान दोनों से सवाल जवाब हो रहा है और उसके जवाब सुनिए। रमशा सुल्तान सवाल करती हैं और वो जवाब देती हैं। बेहतरीन वीडियो है ये, बहुत अच्छी वीडियो है। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों पे ज़बरदस्ती थोप देते हैं, कोई बात शादी ब्याह की बात हो या कोई नौकरी की बात हो, कोई भी काम हो नहीं करोगे तो अल्लाह नाराज़ होगा। अल्लाह किससे नाराज़ होगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो जरिए से। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे उसको शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आइए इंशाल्लाह पहले वीडियो हम लोग देखते हैं। कहते हैं वीडियो है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और उसको शेयर ज़रूर करिएगा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे अल्लाह तुमसे नाराज़ हो जाएगा। इंसान की नाराज़गी से अल्लाह की नाराज़गी जुड़ी होती तो हम सारे जानने में जा रहे होते, क्योंकि एक दिन आज आपके पेरेंट्स नाराज़ हैं जिसका मतलब अल्लाह नाराज़ है, कल आप पेरेंट हो गए आप नाराज़ हो गए तो आपका बच्चा जानने में जाएगा। तो हम पूरी पूरी नस्लों को जानने में भेज देते हैं। पेरेंट्स कहते हैं कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो अल्लाह नाराज़ होगा, यानी ये रिश्ता कबूल कर लो वरना अल्लाह नाराज़ होगा, या ये वाली जॉब कर लो वाली जॉब मत करना वरना अल्लाह नाराज़ होगा, क्योंकि मेरी रज़ा में अल्लाह की रज़ा है, राइट। इन मामलों में पेरेंट्स ने जो अपने साथ अल्लाह को जुड़ा हुआ है ना, ये मेरे नज़दीक शिर्क की एक किस्म है और ये बहुत बड़ा गुनाह है कि आप या तो परफेक्ट मुस्लिम हैं या आप जहन्नुम में जाएंगे सीधा। सो व्हाट्स द बैलेंस? लोगों से मत डरा करो, लोगों का लिहाज ना किया करो, मेरा लिहाज किया करो। इंडिया और पाकिस्तान में लोगों को अरबी पढ़ना आती है पर समझ नहीं आती। जब तक वो आपके अंदर एक प्यास नहीं डेवलप होगी ना, तब तक आप अरबी पढ़ना अगर कल भी शुरू कर दो परसों छोड़ दो, तीन दिन पढ़ोगे फिर कट कर दो। उस प्यास को बढ़ाने के लिए पहले आपको कुरान के साथ टाइम गुजारना पड़ेगा, ताकि आपको एहसास हो आप क्या चीज़ है जिससे आप महरूम हो रहे हैं। उस्ताद, अल्लाह के 99 नेम्स में से या अल्लाह के नामों में से ऐसा कौन सा नाम है जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है? रब सबसे करीब है। उस नाम के अंदर जो हमारा ताल्लुक है अल्लाह ताला से, उसकी पूरी बुनियाद उसके अंदर है। और एक तरह से देखा जाए तो बाकी जो अल्लाह के नाम है वो उसी नाम की तशरीह कर रहे हैं। उसकी ज़ात अल्लाह है, लेकिन उसकी पहली सिफत मेरे नज़दीक जिसके तहत उसकी रबूबियत से ही आप उसको उसकी रहमत समझ आएगी, उसकी मग़फ़िरत समझ आएगी। क्योंकि अगर आप सिर्फ समझे जैसे अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, राइट, लेकिन उसकी माफ़ी अपने बंदे के लिए, यानी वो रब के नाते माफ़ कर रहा है, रहमत रब के नाते रहम कर रहा है। जब आप रब का लफ्ज़ आके से निकाल देते हो तो फिर आप कहते हो अल्लाह मुझ पर रहम क्यों नहीं करना, यानी आप इंटाइटल्ड हो जाते हो कि मेरा भी हक है कोई, राइट। आपके दिमाग से ये बात चली जाती है कि वो रब है, फिर जब वो लिहाज चला जाता है तो फिर आप हम दो वो भी चला जाता है, राइट। सो या रब। सो उस्ताद, एक परफेक्ट मुस्लिम की एक इमेज बना दी गई है एंड एनी वन हु डजंट फिट दैट मोल्ड उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। एंड ऑल्सो एक रिलीजियस सुपीरियॉरिटी लोगों में देखी जाती है, जो अगर थोड़ा सा भी दीन प्रैक्टिस करने लग जाते हैं वो औरों को हकीर समझने लग जाते हैं। सो बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज़ लाइक कि आप या तो परफेक्ट मुस्लिम हैं या आप जहन्नुम में जाएंगे सीधा। सो व्हाट्स द बैलेंस? मुझे हर एक्सट्रीम के दो अपोजिट एंड्स नज़र आते हैं। एक एक्सट्रीम है कि अगर आपका हुलिया ऐसा नहीं है तो आप जहन्नुमी हो या आप लोग को खाली है ये, राइट। दूसरी तरफ इसका एक ओवर रिएक्शन क्या हुआ है कि जी मैं ये चीज़ें तो नहीं करता जो ये अच्छे मुसलमान करते हैं, लेकिन डोंट जज मी, आई एम अब मेरे दिल में अल्लाह का ईमान है और हु आर यू टू टेल मी व्हाट इस्लाम इज़, मेरा अपना ताल्लुक है अल्लाह ताला के साथ। और यानी एक तरफ कुछ लोग हैं जो अल्लाह ताला के कुछ अहकाम की पाबंदी करते हैं, उसके हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और फिर वो कहते हैं कि ये इसकी बुनियाद पर हम लोगों से बेहतर है। दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि अच्छा ये लोग अपने आप को इतना अच्छा समझते हैं, मैं मर जाऊँगा इनकी तरह नहीं रहूँगा और फिर भी मैं मुसलमान, बल्कि मैं इनसे भी अच्छा मुसलमान। यानी इनमें जो एरोगेंस है, जो उसकी रिएक्शन में लोग निकलते हैं ना, वो उनमें भी वही वाली एरोगेंस होती है, ठीक है। तो मैंने रास्ता क्या है, देखिए आप किसी की तारीफ या किसी की तनकीद, किसी का क्रिटिसिज्म, जब तक आपके इस्लाम पर किसी की तारीफ या किसी की क्रिटिसिज्म से असर होता रहेगा ना, तो वो इस्लाम असल में आपका नहीं है, लोगों के कॉमेंट्स का है। वो आपका अल्लाह से ताल्लुक नहीं है, आपका ताल्लुक लोगों से, सोसाइटी से। अगर कोई कहे कि भाई मैंने लड़की मुझे भी नहीं थी, एक दफ़ा कहती मैंने हिजाब में पहनती थी, मैं नहीं पहनती है, मैंने कहा क्यों नहीं पहनती, कहती मेरी माँ ने मुझे बहुत फोर्स कर करके पहनाया था तो अब मुझे बुरा लगता है, हिजाब को देख के मुझे चिढ़ा जाती है। मैंने कहा तुम्हारा ताल्लुक, हमारा हिजाब से ताल्लुक अल्लाह के साथ उसका कोई नाता नहीं है, इसका ताल्लुक सिर्फ तुम्हारी माँ के साथ। मसला ये है कि तुम जब तक तमाम मखलूक को अलहदा ना कर दो अपने ताल्लुक से अल्लाह ताला के, किसी को अच्छा लगे ना लगे, वो कहेगी अगर मैं अभी पहनूंगी तो मेरी माँ को लगेगा कि वो जीत गई, राइट। तभी भी तुम्हारे दिमाग में जब तुम पहन रही हो तो तुम्हारे दिमाग में अल्लाह नहीं है, तुम्हारी माँ है, उसके पॉइंट्स ना बन जाए, मैं उसको माँ को नहीं जीतने दूँगी अपनी, जिसने बहुत तंग किया था मुझे, राइट। यानी आपके सारे दिमाग में एक रिएक्शन चल रहा है और आपके दिमाग में लोग जाना है,
तो यू नो ये जो अवेयरनेस है ना लोगों की, लात शौनी लोगों से मैं डरा करो, लोगों का लिहाज ना किया करो, मेरा लिहाज किया करो, उनका लगे राइट। तो ये एक डिस्कनेक्शन होती है जो आपको डेवलप करनी पड़ती है। और ये जो क्योंकि आप जो यंगर जनरेशन है वो सोशल मीडिया में हर तरफ से क्रिटिसिज्म कमेंट्स और उसी को देखते रहते हैं, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। जितना आप उसको देखोगे उतना वजन ज़्यादा है आपकी ज़िंदगी में उस चीज़ उन चीज़ों का। ये जो लोगों की बातें हैं ना, जो तारीफ़ है और जो तनकीद है, मैं अपने बारे में ही कहता हूँ, किसी और के बारे में नहीं कहता। मुझे कोई बुरा भला कहते तो कहता नहीं, मेरी को तारीफ़ करता है तो करता रहे, ना उसकी तारीफ़ से मेरी इज्जत में इजाफा हो रहा है, ना उसकी बेइज्जती करने से मेरी इज्जत में इजाफा हो रहा है। मेरी ज़िंदगी में कुछ खास लोग हैं जिन पर मैं इतना एतमाद करता हूँ, इतना ट्रस्ट करता हूँ, जब वो मुझे कहेंगे तुम मुझे गलत कर रहे हो या तुम कुछ सही कर रहे हो, तो उसका मुझ पर असर में असर होता है। जो बाकी सारे हैं ना, उनकी तारीफ़ भी या उनकी तनकीद भी बराबर है, उसका कोई असर नहीं है मेरे ऊपर, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो लोग मुझे असल में जानते नहीं हैं। आप लोग जब बाहर के लोग जो आपको जानते भी नहीं हैं, आपकी स्ट्रगल्स क्या हैं, आपकी इंटेंशंस क्या हैं, वो आप पर जजमेंट कर रहे हैं, आपको खामा खास सरदर्द देने की क्या ज़रूरत। यानी इसका सिर्फ एक ही मायना होता है कि आपने अल्लाह ताला के रिश्ते के साथ और रिश्तों को भी खामा खा जुड़ा हुआ है, वो अलग करने पड़े, यू नो, इसी को इखलास कहते हैं सब। और लोगों को अपनी अल्लाह के साथ रिलेशनशिप डिक्टेट ना करने दीजिए, उसमें उनका कोई अमल दखल है ही नहीं। अब मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, कोई देख रहा ही नहीं देख रहा, समझ क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं किसी और के लिए थोड़ी पढ़ रहा हूँ, मैं तरफ के लिए पढ़ रहा हूँ। यही चीज़ अब हर मामले में इस्लाम की, हर सिर्फ नमाज में नहीं, हर मामले में किसी और के लिए क्यों कर रहा हूँ। ला नखाफ़ु फ़िल्लाहि लौमत लाइम, ला यखाफ़ुना फ़िल्लाहि लौमत, क़ुरान में भी ला यखाफ़ु, ला यखाफ़ुना फ़िल्लाहि लौमत लाइम। वो कोई और कोई ना कोई तनकीद करता रहे, उससे वो डरते ही नहीं। ये लो सर, इंडिया और पाकिस्तान में लोगों को अरबी पढ़ना आती है पर समझ नहीं आती, ये हमारा एक पूरा एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है बचपन से लेके। सो मोस्ट ऑफ अस आर नाउ इन आर 20s, 30s, 40s एंड वी आर नोवेयर। तो कहाँ से हम शुरू कर सकते हैं कुरान को समझना पढ़ना या अरबी को समझना और पढ़ना, कि एटलीस्ट अपनी लाइफ में हम कुछ तो इल्म हासिल कर लें। मेरे नज़दीक अरबी पढ़ना जो है वो दूसरा दर्जा है। अरबी के पीछे मुश्किल काम है, मेहनत का काम है, उसके लिए आपको पहले एक बहुत सीरियस कुव्वत इरादा, इंटेंशन, मोटिवेशन होनी चाहिए। वो कहाँ से आए, पहले मैं कहता हूँ कि अगर इंसान कुरान पढ़ना शुरू कर दे, कुरान के लेक्चर सुनना शुरू कर दे, कुरान को समझने की कोशिश करना शुरू कर दे, और इतना पढ़े और इतना समझने की कोशिश करे अरबी के बगैर, कि उसके अंदर एक तड़प सी आ जाए कि ये मुझे बगैर किसी तर्जुमे के या बगैर किसी के समझाने के मुझे खुद समझ। जब तक वो आपके अंदर एक प्यास नहीं डेवलप होगी ना, तब तक आप अरबी पढ़ना अगर कल भी शुरू कर दो, परसों छोड़ दो, तीन दिन पढ़ोगे फिर क्विट कर दो। उस प्यास को बढ़ाने के लिए पहले आपको कुरान के साथ टाइम गुजारना पड़ेगा, ताकि आपको एहसास हो आप क्या चीज़ है जिससे आप महरूम हो रहे हैं। अभी तो अभी एहसास ही नहीं है कि हम वर्ड भी मिस हैं, राइट। तो वो पहले हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मेरे नज़दीक इसका ताल्लुक भी टाइम मैनेजमेंट से है। लोग मुझे कहते हैं कि मैंने अरबी पढ़ी शुरू कर दी फिर मैंने छोड़ दिया, आप बताएं मैं क्या करूँ। मैंने कहा मैं आपको कभी नहीं बताऊँगा आप क्या करें, हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आपने छोड़ दी तो आप अपने आप से पूछें आपने क्यों छोड़ी, मैं क्यों बताऊँ। मैंने कभी किसी से जाकर क्यों नहीं कहा कि मैंने छोड़ दी, मैं आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ, प्लीज़ मुझे मोटिवेट कर दें। अगर मैंने अपने आप को एक्सक्यूज नहीं दी, मैं तुम्हें क्यों दूँ। हदीस में आता है कि तुम्हें किसी में ईमान नहीं है जब तक वो अपने भाई के लिए वो चीज़ पसंद ना करे जो अपने लिए उसे पसंद हो, राइट। मुझे अपने लिए क्या पसंद है, नो एक्सक्यूज़, मैं तुम्हारे लिए एक्सक्यूज़ क्यों पसंद करूँ। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा मैं जाकर किसी को प्लीज़ मुझे मोटिवेट कर दें ताकि मैं पढ़ लूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी ख्याल नहीं आया मेरा मुझे कि मैं किसी से जाकर इस तरह करूँ। तो ये तो एक बहुत कमज़ोर पर्सनैलिटी की अलामत है कि मैं जाकर, जब तक आप मेरे दिन में एक आग नहीं लगाएंगे वो आग लगेगी नहीं। यार तुम्हें अल्लाह ताला ने बनाया है, तुम्हारे अंदर अल्लाह ताला ने अपनी बनाई हुई रूह डाली है, वो कोई कमज़ोर चीज़ है, उसकी बेइज्जती उसकी तो आइन कर रहे हो, यू नो। तो जब तक इंसान को अपनी कदर ना होना, तो वो बाहर से कहीं कोई आके मेरी मदद कर दे, और ये बेबसी वाला जो पूरा हमने एक सीन बनाया हुआ है उसका मैं पूरी तरह इनकार करता हूँ। आप बिल्कुल कैपेबल हो, आपके अंदर डिसिप्लिन भी है, डिटर्मिनेशन भी है, एबिलिटी, सारी चीज़ें हैं, बस आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो कि आप बिल्कुल बेबस हो या सुस्त हो, आप ये है वो ये झूठ आप अपने आप से तो बोल सकते हो, अल्लाह से नहीं बोल सकोगे क्या। सो बेसिकली जब तक हम खुद से नहीं जाएंगे तब तक कुरान जर्नी या अरबिक जर्नी नहीं शुरू हो, ना ही मुकम्मल हो। सीरियस नहीं, जब आप सीरियस नहीं होते ना अपने आप से, अब इधर उधर से मोटिवेशनल वीडियो ढूंढते रहना। द डिटर्मिनेशन इज मिसिंग फ्रॉम विद इन, या और ये दीन है ही उन लोगों के लिए जो एक पुख्ता इरादा करने की सलाहियत रखते हैं। जैसे बता रहे जो पहली कौम है जो मुसलमान हुई है, उन्होंने बहुत सीरियस फैसला किया था, उस फैसले के साथ बड़ी मुश्किलें आई थी उनकी ज़िंदगी में, लेकिन अब छोड़ना नहीं है, फैसला कर लिया तो कर लिया। और यही हमारा हमारी पूरी तारीख ही यही है, मुसलमान है इसलिए कि हमारे अंदर एक डिटर्मिनेशन होती है। वो जब आप कह रहे हो मेरे अंदर है नहीं, तो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। देसी कल्चर में पेरेंटिंग स्टाइल ये है कि कंट्रोल करने के लिए बच्चों को ये बोला जाता है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे अल्लाह तुमसे नाराज़ हो जाएगा, या फिर अगर तुमने मुझे नाराज़ किया तो अल्लाह तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। सो दीज किड्स ग्रो अप टू बी इंडिविजुअल्स हु रन अवे फ्रॉम अल्लाह, उनका कोई रिलेशनशिप नहीं होता अल्लाह के साथ, एंड उन्हें लगता है कि अल्लाह सिर्फ एक दरोगा है जो सिर्फ पनिशमेंट देने के लिए है। इज़ दिस पेरेंटिंग स्टाइल ओके? अगर इंसान की नाराज़गी से अल्लाह की नाराज़गी जुड़ी होती तो हम सारे जानने में जा रहे होते हैं, क्योंकि एक दिन
आज आपके पेरेंट्स नाराज़ हैं, इसका मतलब अल्लाह नाराज़ है। कल आप पेरेंट हो गए, आप नाराज़ हो गए तो आपका बच्चा जहन्नम में जाएगा। तो हम पूरी पूरी नस्लों को जहन्नम में भेज देते हैं, क्योंकि इस दुनिया की सारी पॉपुलेशन जो है ना, वो एक ना एक दिन पेरेंट होगी। सबकी सबका गुस्सा अल्लाह का गुस्सा बन जाए। अल्लाह ताला ने अपनी किस चीज़ से अल्लाह ताला को गुस्सा आता है, किस चीज़ को कौन सी चीज़ अल्लाह ताला पसंद करता है, उसने खुद बयान कर दिया। और इन्हें कोई खास लाइसेंस नहीं दिया वालदैन को कि उनका गुस्सा अल्लाह का गुस्सा बन जाता है। मुझे कहा है अपने वालदैन से बेहतरीन सलूक करो, लेकिन ये नहीं कहा कि तुम्हारे वालदैन जब तक तुमसे खुश नहीं होंगे मैं तुमसे खुश नहीं होंगे। लेकिन ये नहीं कहा वालदैन को खुश करो, ये फ़र्क है। और बिलवाली देनी एहसाना वालदैन के साथ बेहतरीन सलूक करो। ये बहुत मुमकिन है कि आप किसी के साथ बेहतरीन सलूक करें लेकिन वो आपसे खुश ना हो। ये भी हो सकता है कि आपके साथ किसी के साथ ज़्यादती ना करें, आप उसके साथ इंसाफ करें, अकल की बात करें, हक की बात करें, लेकिन वो कहे आप तुमने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है, बहुत जुल्म किया, बहुत बदतमीज़ी की तुमने मेरे साथ। आप सच बात कह रहे हो और आगे से आपको कहने को एक्यूजेशन इल्ज़ाम याद है कि आपने बहुत बदतमीज़ी की है मेरे साथ। इंसान के दिल में उसको कोई बात पसंद नहीं आती, उसका जो भी रिएक्शन होता है होता रहे, और फिर वो उस चीज़ को आगे देखें कि मेरे बच्चे ने मुझे कहा कि मैं शराब नहीं बेच सकता। अल्लाह उससे पूछेगा, अल्लाह आपसे नहीं पूछेगा। और ये जो बात लोग कह देते हैं ना कि मेरी नाराज़गी अल्लाह की नाराज़गी बनेगी, ये हमारी कौम की सबसे बड़ी जहालतों में से। हमारे दीन में वालदैन का बहुत बड़ा रुतबा है, लेकिन उसको अल्लाह ताला के साथ नहीं जोड़ा गया इस तरह जिस तरह हम लोगों ने जोड़ दिया हुआ है। और लोग ये बात क्यों इस्तेमाल करते हैं ये भी समझ लें। पेरेंट्स कहते हैं कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो अल्लाह नाराज़ होगा, यानी ये रिश्ता कबूल कर लो वरना अल्लाह नाराज़ होगा, या ये वाली जॉब कर लो, वाली जॉब मत करना वरना अल्लाह नाराज़ होगा, क्योंकि मेरी रज़ा में अल्लाह की रज़ा है, राइट। इन मामलों में पेरेंट्स ने जो अपने साथ अल्लाह ताला को जोड़ा हुआ है ना, ये मेरे नज़दीक शिर्क की एक किस्म है, और ये बहुत बड़ा गुनाह है, और ये बहुत बड़ा जुल्म भी है। क्योंकि जिस दायरे को अल्लाह ने इंसान के लिए हलाल किया ना, उसको कोई वालिद, कोई चचा, कोई और आके उसको हराम नहीं कर सकता। और जिस चीज़ को हराम किया है, कोई रिश्तेदार आके उसको हलाल नहीं कर सकता। तो जो चीज़ मेरे लिए, जिस चीज़ से अल्लाह नाराज़ नहीं है, उसके अगर मैं वो कर रहा हूँ तो कोई और नाराज़ होता रहे, मुझे उससे क्या, मुझे उससे कोई उसका असर नहीं होना चाहिए मेरे। तो ये मैं वालदैन से बगावत की बात नहीं कर रहा, लेकिन वालदैन ने जो अपने आप को एक नया बुत बना लिया है ना हमारे कल्चर्स में, ये एक बहुत एक्सट्रीम तक बात चली गई है। एक एक्सट्रीम वेस्ट में है कि वालदैन को नर्सिंग होम्स में डालो, उनका कोई लिहाज नहीं है, और दूसरी तरफ ये कि उनको सजदा तो हम पांच वक्त जो है वो अल्लाह को करते हैं, लेकिन जो साइकोलॉजिकली सजदा है वो हमने वालदैन को करना है, राइट। और ये गलत है, ये सरासर गलत है। और ये हमारी कौम की जो हम पीछे रह गए ना, उसकी वजूहत में से एक ये भी है। क्योंकि देखिए रियलिटी ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो एग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हैं, और उनके बहुत सारे ओपिनियंस उस डिप्रेशन से आते हैं, और अब वो डिप्रेशन अपने बच्चों पर इम्पोज कर रहे हैं, कह रहे हैं तुम मेरी बात मानो वरना अल्लाह खफा होगा। तो आप जनरेशनल डिप्रेशन जो है वो जारी कर रहे हो, आगे तक ले जा रहे हो, राइट। और इस चक्कर में सिर्फ इसीलिए नई नस्ल फंसती है कि नई नस्ल को खुद ना पेरेंट्स को अपना दीन पता था, ना बच्चों को अपना दीन पता है। जब दीन ना पता हो तो आपको नहीं पता होगा ना कि आपके हक क्या हैं और आपकी जिम्मेदारी क्या है, किस हर एक का दायरा कितना बड़ा है कितना छोटा है, आपको तो नहीं पता होगा। तो आप जो आपसे आपका कहा जाएगा आप मान लोगे। लोनलीनेस एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई है आज की दुनिया में, दैट्स बिकॉज फ्रेंडशिप्स खोखली हैं, पेरेंट्स के साथ वो रिलेशनशिप कभी डेवलप नहीं हुआ, और अल्लाह के साथ एक गिल्ट का रिलेशनशिप है। सो इन द एंड अ पर्सन फाइंड्स देमसेल्फ वेरी वेरी लोनली। जो वॉइड अल्लाह फिल कर सकता है हमारी लाइफ में, वो हमने अल्लाह को वो जगह ही नहीं दी अपने दिल में। सो हाउ कैन वी डेवलप अ पॉजिटिव माइंडसेट अबाउट अल्लाह, कि अगर कोई नहीं है तो अल्लाह है। देखिए हम अपने आप को इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन कहते हैं, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी काफ़ी लोनली है शुरू से ही, और ये तो कहना आसान है कि अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ छोड़ दो, लेकिन उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि अब अगर आपके दिलो दिमाग में कोई एक बहुत बड़ा पर्पस ना हो ना, जिसके पीछे आप भाग रहे हो, तो फिर आपका पर्पस उससे कम चीज़ें बन जाती हैं। देखिए अगर कोई स्पोर्ट्स टीम में जाना चाह रहा है तो दिन रात ट्रेनिंग कर रहा है, उसके दिमाग में एक मैंने इस टीम के लिए क्वालिफाई करना है, उसमें वो लगा हुआ है, उसके पास टाइम ही नहीं है बैठ के मैं लोनली हूँ, नहीं मुझे एक्सरसाइज करनी, मुझे ट्रेनिंग करनी, मुझे ये करना, मुझे वो करना, राइट। और जब वो उस रास्ते पे चलेगा तो उसको कोचेस मिलेंगे, उसको और एथलीट्स मिलेंगे, उसको और लोग मिलेंगे जो उसकी राह में है, और वही उसकी कंपनी बन जाएगी, क्योंकि वो उसकी कंपनी एक ही कॉज में है साथ, राइट। जैसे यूनिवर्सिटी में लोग दोस्त बन जाते हैं क्योंकि वो एक ही कोर्स ले रहे हैं, राइट। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई बड़ा मकसद ना हो तो फिर आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके साथ आपके ताल्लुक जो है वो किसी मकसद की बुनियाद पर नहीं है। जब आप पर्पसफुल बन जाते हो ना तो आपकी ज़िंदगी में फिर पर्पसफुल लोग भी आते हैं, फिर वो रिलेशनशिप भी पर्पसफुल होते हैं। असल मकसद मेरे नज़दीक, असल मसला मेरे नज़दीक लोनलीनेस का नहीं है, असल मसला पर्पसलेसनेस का है। यंग लोगों के दिमाग में कोई मिशन, मैंने ये करना है, मुझे ये अकॉम्प्लिश करना है, मैंने उठ के ये काम करना है, कोई और करे ना करे मैं करूँगा। जब आप उठोगे तो और लोग आपको देख के कहेंगे ये तो करना है, मैं भी इनकी मदद करूँगा, मैं भी साथ लग जाता हूँ, मैं भी साथ लग जाता हूँ। तो आपको लोग ज्वाइन करेंगे किसी एक पॉजिटिव काम में, किसी एक अच्छे काम में, और जब ऐसा करेंगे ना तो फिर आपकी असल मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनेंगे। यू नो हर चीज़ में अगर आप लोअर पर्पस लगाते हो ना, लोअर पर्पस क्या होता है, मेरी व्यूअरशिप ज़्यादा हो जाएगी, जब मैं कोई अच्छे काम करने लगाऊँ, पहले मैं कैमरा ऑन कर दूँ फिर मैं कोई अच्छा काम करूँ, इट्स अ लोअर पर्पस। क्योंकि अब आपका पर्पस है पॉपुलैरिटी, अब आपका पर्पस है व्यूअरशिप, आपका कोई असल मकसद नहीं है। जब तक असल मकसद नहीं हो ये चीज़ें आती रहे, लेकिन ये चीज़ें मकसद बन जाती है ना, तो फिर वो रिलेशनशिप भी आपके ऐसे ही होते हैं निचले, क्योंकि मकसद निचला है, गोल आपका नीचा है,
तो रिश्तेदारियाँ भी सारी नीच होंगी, सारे रिश्ते भी नीच होंगे। जब आपका गोल हाई हो जाएगा तो रिश्ते भी आपकी ज़िंदगी में हाई हो जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम उस्ताद, अल्लाह आपको इसकी जज़ाए खैर। आमीन आमीन आमीन, अल्लाह रिवॉर्ड यू, अल्लाह प्रोटेक्ट यू। तो ये था हमारा रिएक्शन, बेहतरीन वीडियो थी, ये बहुत समझने वाली वीडियो थी। अक्सर माँ बाप अपनी औलादों पे थोप देते हैं दबस्ती, कोई भी बात हो, शादी ब्याह कोई ले लें अगर, तो शादी ब्याह में देखिए हमारी शरीयत ने खुद कहा है कि लड़का लड़की की मर्ज़ी और दोनों एक दूसरे के शरीयत के मुताबिक देख सकते हैं और फैसला भी कर सकते हैं हाँ या ना। ज़बरदस्ती उन पर नहीं थोपना चाहिए कि नहीं तुमको शादी करनी है, नहीं करोगे तो अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह नाराज़ जब होगा, जब अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तब अल्लाह नाराज़ होगा। तो ये वीडियो बेहतरीन वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक ज़रूर करिएगा, अपनी लाइक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह तक नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।